यस, मैं हूँ आपका कुकिंग सुपर। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर चिली विद सेमी ग्रेवी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं पनीर 250 ग्राम ली हूँ। अभी मैं बैटर बनाने वाली हूँ। 2 टीस्पून मैदा ले लेना है, 2 टीस्पून अरारूट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा हल्का सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अभी पनीर आप 2-3 डालिएगा, एक साथ सारा नहीं डालिएगा। देखिए इसको हम अच्छे से इवनली कोट कर लेंगे। देखिए इवनली ऐसे ही सारा हम कोट करके, अगर एक साथ आप डालेंगे तो सारा में अच्छे से कोट नहीं होगा, इसीलिए एक एक ही डालिएगा या फिर 2 से 3 आप डाल सकते हैं। देखिए सारा मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अभी इसको फ्राई करेंगे। ऑयल 3 से 4 टीस्पून हम ऑयल डाल दिए हैं, हल्का सा लाइट फ्राई करेंगे। एक एक करके डाल देना है आपको। कर देंगे, देखिए अभी मेरा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी निकाल देंगे इसको। अभी मैं इसी ऑयल में एक मीडियम साइज प्याज और एक मीडियम साइज कैप्सिकम को हम काट लिए हैं, इसको भी डाल के थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम रखिएगा, बस 2 मिनट के लिए हल्का फ्राई कर लेना है, तो आपका जो कच्चा स्मेल आता है वो नहीं आएगा। देखिए अभी निकाल देंगे, 2 मिनट रोस्ट हो गया है। लो फ्लेम कर लीजिएगा, अभी इसको बस निकाल देना है आपको। देखिए मेरा पनीर और प्याज कैप्सिकम फ्राई हो गया है। देखिए ये पनीर आपको लगता है हार्ड होगा, नहीं, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है। देखिए देखिए एकदम सॉफ्ट पनीर बनता है ऐसे करने से, आपका बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनेगा पनीर चिली ग्रेवी में। ऑयल थोड़ा सा हाई फ्लेम में रखिएगा। देखिए अभी ऑयल गर्म हो गया है, तो लहसुन 12 लहसुन हम छोटा छोटा काट लिए हैं, और 2 हरा मिर्च और रेड हरा मिर्च काट लिए हैं, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का फ्राई हो जाता है, इसमें 2 टीस्पून हम लोग टमाटो केचप डालेंगे, 2 टीस्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1 टीस्पून करीब सोया सॉस डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाफ टी स्पून मिर्चा पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देना है, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए अभी 2 टीस्पून अरारूट पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे पतला घोल देना है आप लोग को, और इसको अभी आपको डाल देना है। थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी आपको इसको इसमें 1 बाउल पानी डाल देना है, और इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जितना ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है पानी। देखिए जैसे ही हो रहा है, यहाँ पे जो प्याज और कैप्सिकम फ्राई किए हैं पहले इसको डाल देना है आपको। अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी पनीर भी डाल देना है, और इसको अच्छे से स्टेयर कर लीजिएगा आप लोग।
और ग्रेवी चाहिए तो और हल्का सा आप पानी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे भी। ये सेमी ग्रेवी है, हल्का सा यहीं पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेना है 1/4 टीस्पून और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, इसको करके मिक्स कर लेना है। अभी गैस बंद कर लेना है। अब मेरा पनीर चिली विद सेमी ग्रेवी वाला बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा तब वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।